ओके स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बच्चे आज हम लोग एन सी आर टी चैप्टर के एग्जाम्पल्स दैट इज़ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स सिर्फ कंसिडर करना है चेन का लेंथ हमें चेंज करके ऑफ अल्केस करस्पॉन्डिंग टू मॉलिकुलर फॉर्मूला सी सिक्स एच फोर्टीन ठीक है तो सी सिक्स एच फोर्टीन मतलब कार्बन सिक्स है हाइड्रोजन फोर्टीन है वैसे हमें तो फॉर्मूला से ही पता चल रहा है ये अल्केन है सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगा अदरवाइज हमने जो डबल बॉन्ड इक्वेलेंट बताया था पिछले चैप्टर में उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्वेलेंट का फॉर्मूला होता है टू इंटू सी नंबर ऑफ कार्बन सिक्स है प्लस टू प्लस एन प्लस पी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या ट्रावेलेंट पेंटावेलेंट है नहीं माइनस एच एच जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन फोर्टीन है माइनस एक्स हेलोजन या मोनोवैलेंट कोई नहीं है और ऑक्सीजन को हम लोग कंसीडर करते नहीं है डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ से ट्वेल्व प्लस टू 14 माइनस फोर्टीन जीरो हो जाएगा मतलब तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़ीरो आ रहा है ठीक है तो अब सिक्स कार्बन है तो सिक्स कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड क्या बन सकता है जिसमें सिक्स कार्बन का चेन होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब सबके साथ एक बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन यहाँ पे दो बॉन्ड हो गया दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो आ जाएगा दो बॉन्ड जहाँ है वहाँ दो हाइड्रोजन जहाँ एक बॉन्ड है वहाँ पे तीन हाइड्रोजन अब ये सिक्स कार्बन का चेन है तो इसीलिए इसका आई पी सी नेम हेक्सेन लिखेंगे इसका आई पी सी नेम भी लिखना है तो आई पी सी नेम हमारा हेक्सेन हो जाएगा अब सेकेंड क्या बन सकता है सिक्स के चेन में तो यही बन सकता है अब हम लोग फाइव का चेन बना सकते हैं तो फाइव का चेन क्या क्या बना सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बोन लगाएंगे अब एक कार्बन बच गया उसका सब्सटीच्यूंट है फर्स्ट और लास्ट में सब्सटीच्यूंट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये फिर से सिक्स का चेन बन जाएगा आ इधर सेकेंड पर आएगा या थर्ड पे क्योंकि यहाँ अगर लगाएंगे तो फिर से ये टू हो जाएगा तो एक में यहाँ पे लगेगा और इसी का जो दो नेक्स्ट बनेगा सेम फाइव कार्बन का थ्री फोर फाइव जिसमें थर्ड कार्बन पे चेन लगेगा तो यहाँ पे देखो थ्री हाइड्रोजन आएगा सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे थ्री है तो वन बॉन्ड यहाँ पे दो है दो हाइड्रोजन यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक बॉन्ड है थ्री हाइड्रोजन यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन थ्री बॉन्ड है वन हाइड्रोजन टू बॉन्ड है टू हाइड्रोजन वन बॉन्ड है थ्री हाइड्रोजन अब इसका आई पी नेम लिखेंगे तो काउंटिंग इधर से करेंगे टू थ्री फोर फाइव तो टू पे आ गया हमारा सब्सटिटुन जो कि मिथाइल है फाइव कार्बन है तो इसका आई पी नेम पेंटेन सिमिलरली यहाँ पे भी थ्री हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और इसमें जो नंबरिंग होगा राइट लेफ्ट दोनों साइड से थ्री पे ही आ रहा है तो किसी भी साइड से हम लोग कर सकते हैं और थ्री पे सब्सटिचुएंट आ गया जो कि मिथाइल है तो थ्री मिथाइल फाइव का चेन है इसीलिए इसे पेंटेन बोलेंगे ठीक है अब नेक्स्ट जो हम लोग बना सकते हैं फाइव के बाद फोर का चेन बना सकते हैं तो फोर का चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर सब में सिंगल ही देना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं अब दो सब्सटिचुएंट है अब देखो यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ दोनों जो है सेकंड कार्बन अगर यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से राइट से करेंगे अगर यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो अब दो सब्सटिचुएंट है बच्चे दोनों सब्सटिचुएंट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं एक दो दो कार्बन यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन फोर हो गया टू हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन दूसरा जो है हमने बोला दो यहाँ लगाए या यहाँ लगाए सेम हो सकता है एक और तरीका है दोनों पर एक एक लगा दें तो ऐसे करके लिख ही देता हूँ मैं हाइड्रोजन बाज़ में डालने से अच्छा है पहले डाल देता हूँ सी CH, एच एक सी एच थ्री को यहाँ तो ये दो पॉसिबिलिटी है मतलब टोटल स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके चेन आइसोमर फाइव बनेंगे अब इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे राइट से वन टू थ्री फोर टू पे दो मिथाइल आ गया तो टू टू डाई मिथाइल फोर कार्बन है इसीलिए इसे बोलेंगे ब्यूटेन ठीक है अब यहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों साइड से नबरिंग कर सकते हैं एक टू पे आया एक थ्री पे आया तो टू थ्री डायमिथाइल फोर कार्बन है इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन है इसमें राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स कॉरस्पोंडिंग टू तो द मोलिकुलर फार्मूला सी फाइव एच एलेवन मोलिकुलर फार्मूला सी फाइव एच एलेवन है तो सी फाइव एच ट्वेल्व अल्केन होता है वैसे क्वेश्चन में दे ही दिया है ये जो है हमारा अल्काइल है अल्काइल ग्रुप मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाल लें तो उसे अल्काइल बोलते हैं जैसे मिथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो मिथेन सी एच फोर है तो एक हाइड्रोजन कम कर दें तो सी एच थ्री को मिथाइल बोलते हैं इथेन सी टू एच सिक्स है उससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इथाइल बोलते हैं उसी तरह सी फाइव एच ट्वेल्व सी फाइव एच ट्वेल्व को हम लोग बोलते हैं पेंटेन और इससे एक हाइड्रोजन निकाल लें तो क्या होगा सी फाइव एच एलेवन और एक कार्बन के साथ फ्री बॉन्ड आएगा और इसे पेंटेन नहीं बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे पेंटाइल ठीक है अब बोला है, राइट आई पी एस सी नेम ऑफ अल्कोहल जितने भी अल्काइल बनेंगे पॉसिबल अल्काइल हैं उसमें जो अल्कोहल बनेगा ओ एच OH ग्रुप लगाने से जिस कार्बन के साथ फ्री बॉन्ड है उसमें ओ एच OH ग्रुप लगाने से डिफरेंट कार्बन जिनका उसका आई पी एस सी नेम लिखना है तो एक तो देखो फाइव कार्बन का स्ट्रेट चेन बन जाएगा जिसमें लास्ट कार्बन पे फ्री बाउंड अब यहाँ पे ओ OH लगा देंगे तो ओ OH जो है फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल सफिक्स ओल होता है नंबरिंग यहाँ से कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन का चेन है तो पेंटेन फर्स्ट पे ओ OH है ओ OH का सफिक्स ओल पेंटेन वन ओल और पेंटेन का ई हटा दिया क्योंकि ओल का फर्स्ट लेटर लेटर जो है ओ वो भॉवेल है जब आगे वोवेल आता है तो अल्केन अल्किन या अल्काइन का ई हम लोग हटा देते हैं और जब कॉन्सोनेंट आता है तो ई को रिटर्न करते हैं अब देखो सिमिलरली फाइव के चेन में ही जो हमने ये फर्स्ट कार्बन पे लगाया वो सेकेंड कार्बन पे इधर लगाओ या इधर लगाओ सेम बनेगा यहाँ पे लगा दिया दूसरा अलकाइल ये बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया थ्री यहाँ पर एक हाइड्रोजन का फ्री बॉन्ड अब यहाँ पर ओ आ गया तो आई नेम क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव का चेन है चेन तो फाइव का ही बना चेन फाइव का बना लेकिन जो ओ एच आया ये सेकेंड कार्बन पे आया तो फाइव का चेन है तो पेंटेन ई हटा देंगे क्योंकि आगे ओल आने वाला है ओल कहाँ पे आया सेकेंड कार्बन पे तो पेंटेन टन टू ओल अब देखो इसको जो फ्री बॉन्ड है अगर यहाँ पे भी रहता है यहाँ पर भी ओ एच रहता तो नंबरिंग किधर से हो जाता फिर राइट से हो जाता यू पी एस इन एम पेन टू ओल ही होता है� थर्ड पे भी हम लोग लगा सकते हैं ओ एच तो क्या हो जाएगा नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव का चेन है पेंटेन थ्री ओल अब देखो फाइव के बाद अगर यहाँ पे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये लगाएंगे तो सेम हो जाएगा ये यह वाला यहाँ लगाएंगे तो सेम हो जाएगा ये वाला तो पांच का काम खत्म अब फोर में देखो फोर में चार कार्बन का चेन है अब चार कार्बन का चेन सी एस थ्री यहाँ भी लग सकता है यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे लगाया तो देखो अब यहाँ पे ओ OH एच लगेगा क्योंकि फ्री बॉन्ड हमने यहाँ बनाया अब सी एस थ्री यहाँ लगाया तो वन टू थ्री कार्बन अब सी एच थ्री यहाँ भी तो लग सकता है तो जब सी एस थ्री यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाद में देखेंगे पहले यहाँ वाले देखो तो नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर अब इसमें एक सब्सटिचुएंट हो गया थ्री पे तो क्या लिखेंगे थ्री पे सब्सटिचुएंट है मिथाइल थ्री मिथाइल फोर कार्बन है ब्यूटेन आगे ओल आने वाला है ओ भोवेल है तो इसीलिए हम लोग ब्यूटेन का ई हटा देंगे वन ओल अब जब सी एस थ्री इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा नंबरिंग करो वन टू थ्री फोर तो क्या हो जाएगा सब्सटिट्यूंट टू पे आ गया टू मिथाइल ब्यूटेन वन ओल ठीक है अब देखो फाइव में जैसे हमने यहाँ पे लगाया था सब्सटीच्यूएंट हम लोग इसके साथ यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ जब सब्सटीच्यूएंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सेम देखो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा वन टू थ्री फोर क्या हो गया टू पे सब्सटिचुएंट भी है अल्कोहल भी है तो टू पे सब्सटिचुएंट मिथाइल है फोर कार्बन है ब्यूटेन टू ओल्ड अब देखो अब क्या किया थ्री फोर का काम खत्म हो गया थ्री का देखो थ्री में क्या किया तीन का चेन बनाया दो सब्सटिचुएंट है बीच वाले पे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो फिर पहले वाला सेम हो जाएगा यहाँ पे भी लगाएंगे तो सेम हो जाएगा चेन का लेंथ बढ़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा नेम लॉन्गेस्ट चेन थ्री का बन रहा है वन टू थ्री टू पे दो सब्सटीच्यूंट हो गया तो टू टू डाई मिथाइल थ्री का चेन है तो प्रोपेन प्रोपेन का ई हटा देंगे क्योंकि आगे ओल आने वाला है तो प्रोपेन वन ओल तो इस तरह से हम लोग इसका आई पी नेम लिखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट आई पी एस सी नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स तो फर्स्ट कंपाउंड देखो कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है तो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देते हैं सी एस थ्री हमेशा टर्मिनल पोजिशन पर जाएगा तो इस कार्बन के साथ थ्री सी एस थ्री है तो इस कार्बन के साथ वन टू और थ्री सी एस थ्री इसके बाद सी एच टू है फिर कार्बन है इस कार्बन के साथ भी थ्री सी एस थ्री है वन टू थ्री ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा अब नंबरिंग करेंगे तो राइट से भी टू पे दो आ रहा है और फोर पे दो आ रहा है लेफ्ट से भी टू पे दो आ रहा है सब्सटीचुएंट और फोर पे दो आ रहा है तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव किसी भी साइड से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सब्सटीच्यूएंट सेम है अल्फ़ाबेटिकल देखने की ज़रूरत नहीं है टू पे दो सब्सटीचुअ मिथाइल है और फोर पे दो सब्सटिचेंट मिथाइल है तो टू पे दो है तो टू को दो बार लिखेंगे फोर पे भी दो है तो फोर को भी दो बार लिखेंगे तो टू टू फोर 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 है तो फोर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा सब्सटीचुएंट क्या है मिथाइल तो टेट्रामिथाइल टोटल चेन हो गया फाइव का तो फाइव के लिए क्या लिखते हैं हम लोग पेंटेन क्यों एन लगाएंगे क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है अब सेकेंड क्वेश्चन देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में सी एस थ्री टू टाइम्स है सी के साथ और टू टाइम्स है सी टू एच फाइव मतलब कार्बन के साथ टू सी एस थ्री है और टू सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव भी लिख सकते हैं या आप चाहो तो एक्सपेंड कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा सी एस टू सी एस थ्री और इधर भी सी एस टू सी एस थ्री सी टू एच फाइव को ही हमने एक्सपेंड कर दिया जिससे नंबरिंग करने में अच्छा रहेगा अब लॉन्गेस्ट चेन देखो स्ट्रेट बनाएंगे तो फोर का ही बनेगा ये भी फोर का बनेगा लेकिन अगर ये बनाए वन टू थ्री फोर फाइव का बनना है इसीलिए ये चेन बनाते हैं लॉन्गेस्ट बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव थ्री पे दो सब्सटीचुएंट आ गया दोनों मिथाइल है तो सेम लिख लेते हैं डाई मिथाइल थ्री थ्री डाई मिथाइल टोटल कार्बन फाइव है इसीलिए पेंटेन सफिक्स एन लगाएंगे क्यों एन लगाएंगे क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है अब थर्ड जो है वो है टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मिथेन टेट्रा टेट्रा का मतलब फोर टाइम्स आएगा टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है चार कार्बन जो है तो इस तरह से अरेंज करेंगे टर्सरी का मतलब एक कार्बन के साथ तीन कार्बन लगेगा तो टर्सरी ब्यूटाइल पहले मैं बता देता हूँ तीसरा बताने से पहले टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है जो कार्बन है इसके साथ तीन कार्बन लगा होना चाहिए तो ये कार्बन टर्सरी है अब कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है तो ये हो गया इसे बोलेंगे हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल अब टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मिथेन ठीक है कार्बन है यहाँ पे बना देता हूँ कार्बन इसके साथ चार टर्सरी ब्यूटाइल एक टर्सरी ब्यूटाइल तो यही होगा एक दो तीन दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल इधर लगा देते हैं एक दो तीन कार्बन के साथ एक इधर लगा देते हैं वन टू थ्री और एक ऊपर लगा देते हैं वन टू थ्री तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अब लॉन्गेस्ट चेन देखो तो कोई भी लो ये लो फाइव का बनेगा ऊपर से लो ये भी फाइव का बनेगा इसको टेढ़ा करो फाइव का बनेगा और सब में सब्सटीचुएंट भी सेम है तो हम लोग किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं मान लो स्ट्रेट ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव तो सब्सटीचुएंट एक मिथाइल यहाँ पे आ गया दूसरा यहाँ पे आ गया तीसरा यहाँ पे आ गया चौथा यहाँ पे आ गया अब ये जो है बच्चे इसको टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं आई नेम में इसको जो है हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं वैसे कॉमन नेम है टर्सरी ब्यूटाइल अदरवाइज आईपीएससी नेम में भी हम लोग यूज करते हैं या इसका जो चेन है वो थ्री का चेन है तो इसको लिख सकते हैं टू डैश मिथाइल प्रोपाइल लेकिन जो क्वेश्चन में देखोगे मैक्सिमम टाइम टर्सरी ब्यूटाइल ही यूज़ करते हैं तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे पहले अगर टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे तो एम से पहले बी आता है तो पहले हमें बी लिखना पड़ेगा तो थ्री पे दो बार आ गया तो थ्री थ्री डाय कौन आ रहा है टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल ठीक है इसके बाद टू पे दो फोर पे दो टू टू फोर फोर तो टोटल टो फोर हो गए इसीलिए टेट्रामिथाइल टोटल कार्बन कितने हैं चेन में फाइव तो क्या लिखेंगे इसे पेंटेन ये इसका आई नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल जो हमने लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल के जगह पे हम लोग डाई तो आता ही वैसे इसको ब्रैकेट में कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि डाई के साथ ये अलग है टर्सरी ब्यूटाइल की जगह पे हमने क्या बोला टू डैश मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते थे ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आई पी एस सी नेम दिया हुआ है टू क्वेश्चन टू पार्ट से इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो थ्री फोर फोर फाइव टेट्रा मिथाइल मतलब चार मिथाइल सब्सटीचुएंट है जो रूट वर्ड है हेप्टेन है मतलब एन का मतलब है सारे सिंगल बोन हेप्ट का मतलब है सेवन कार्बन तो फर्स्ट में सेवन कार्बन हो सब में सिंगल बोन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखो किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो राइट से लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं थ्री पे वन आएगा वन टू थ्री एक मिथाइल फोर पे दो मिथाइल ये थ्री है तो ये फोर आ जाएगा तो फोर पे दो मिथाइल और फाइव पे एक मिथाइल हो गया टेट्रा चार लग गया अब सारे कार्बन की वैलेंसी इसकी एक बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन दो बॉन्ड है दो हाइड्रोजन थ्री बॉन्ड है वन हाइड्रोजन फोर हो गया थ्री बॉन्ड है वन हाइड्रोजन टू है दो हाइड्रोजन वन है तो थ्री हाइड्रोजन ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेकेंड है हमारे पास टू फाइव डाई मिथाइल हेक्सन मतलब दो सब्सटीच्युन है टू फाइव डाई मिथाइल हेक्सेन ठीक है तो हेक्सेन का मतलब है सिक्स कार्बन होगा सबके भी सिंगल बॉन्ड टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू और फाइव पे तो वन टू यहाँ पे एक मिथाइल आ जाएगा थ्री फोर फाइव यहाँ पे एक मिथाइल आ जाएगा एक्जेन एक्जेन का मतलब सिक्स कार्बन अब सिंगल बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन थ्री बॉन्ड है वन हाइड्रोजन टू है तो टू हाइड्रोजन टू है टू हाइड्रोजन थ्री है वन हाइड्रोजन वन है थ्री हाइड्रोजन तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है राइट स्ट्रक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट राइट करेक्ट आई पी नेम तो मतलब जो ये गिवन नेम है ये क्वेश्चन में ही बताया गया है इनकरेक्ट है इसका स्ट्रक्चर बनाओ और सही नाम बताओ और क्यों इनकरेक्ट है वो बताना है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है टू इथाइल पेंटेन पेंटेन का मतलब है फाइव कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड से फोर फाइव टू पे इथाइल वन टू इथाइल को सी टू एच फाइव लिख सकते हो या हमने बोला था ज्यादा अच्छा रहता है सी एस टू सी एस थ्री लिख लें ठीक है अब सिंगल बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन थ्री बॉन्ड है तो वन हाइड्रोजन टू बॉन्ड है टू हाइड्रोजन टू बॉन्ड है टू हाइड्रोजन बॉन है बॉन है वन बॉन्ड है थ्री हाइड्रोजन अब देखो इसमें पेंटेन था तो फाइव कार्बन का चेन था एक्चुअली में जो ये चेन बनेगा ये सिक्स कार्बन का बन रहा है देखो ये बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन इसका लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है यही बनना है लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें कितने कार्बन बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसीलिए ये नेम जो है इनकरेक्ट है तो इसमें क्यों नेम इनकरेक्ट है वो लिखेंगे क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ सिक्स कार्बन एटम्स एंड नोट दैट ऑफ फाइव कार्बन एटम्स अब करेक्ट नेम लिखना है तो करेक्ट नेम लिखो इसका नंबरिंग करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल आ गया सब्स्टिचुएंट सिक्स कार्बन का चेन है इसीलिए इसे लिखेंगे हेक्सेन। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन में है फाइव इथाइल थ्री मिथाइल हेप्टेन, ठीक है तो टोटल कार्बन हमारे चेन में जो आएगा सिक्स सेवन का होगा क्योंकि हेप्टेन दिया है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है अब फाइव इथाइल थ्री मिथाइल तो वन टू थ्री यहाँ पे मिथाइल फोर फाइव यहाँ पे इथाइल इथाइल सी टू एच फाइव भी लिख सकते हैं या सी एस टू सी एस थ्री भी लिख सकते हैं वन कार्बन थ्री हाइड्रोजन टू कार्बन है तो टू हाइड्रोजन थ्री है तो वन हाइड्रोजन टू है तो टू हाइड्रोजन थ्री है वन हाइड्रोजन टू बॉन्ड है टू हाइड्रोजन वन बॉन्ड है थ्री हाइड्रोजन ठीक है अब नंबरिंग देखो आ, क्या करना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रहा है ठीक है यहाँ से भी बनाओगे तो सेम ही बन रहा है चेन तो इसका करेक्ट है यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो थ्री फाइव आ रहा है इधर से करें तो भी थ्री फाइव आ रहा है लेकिन ये मिथाइल है ये इथाइल है अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सेम से आए तो हमने बोला अगर सब्सटिचुएंट सेम है तो किसी भी साइड से करते हैं अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिस्ट पोजिशन देंगे तो हम लोग इथाइल को लिस्ट पोजिशन देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो पहले लिखेंगे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थ्री पे लिखेंगे इथाइल फाइव पे लिखेंगे मिथाइल और टोटल सेवन कार्बन है तो हेप्टेन लेकिन हम हमें जो है इसका नंबरिंग गलत किया था क्वेश्चन में फाइव इथाइल थ्री मिथाइल दिया था हमें होगा क्या थ्री इथाइल फाइव मिथाइल तो इसका जो नंबरिंग है जो स्टार्ट किया था नंबरिंग स्टार्टिंग का एंड इनकरेक्ट था ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब जो क्वेश्चन है ये हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का है क्वेश्चन हमें दिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मतलब किस कार्बोगजेलिक एसिड के सॉल्ट का यूज हम लोग करेंगे प्रोपेन बनाने के लिए तो बच्चे कार्बोगजेलिक एसिड के सॉल्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोगजेलिक एसिड का हम लोग डिकार्बोगजलेशन करें सोडा लाइम के साथ तो अल्केन बनता है हैविंग वन लेस कार्बन ठीक है तो अल्केन एक कार्बन कम का बनता है इसलिए हमें कार्बोजलिक एसिड का जो सॉल्ट लेंगे एक ज़्यादा कार्बन का लेना है अल्केन से तो हमें प्रोपेन बनाना है प्रोपेन में थ्री कार्बन है तो इससे एक ज़्यादा कार्बन मतलब फोर कार्बन का कार्बोकजेलिक एसिड लेंगे तो इसका आंसर होगा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड ठीक है अब इसका रिएक्शन लेना है तो ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड कितने कार्बन का होगा फोर कार्बन का तो टू थ्री ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा ओ माइनस एन ए प्लस क्योंकि सोडियम सॉल्ट बोला है सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ एन एच एंड सी ए तो एन ए ओ एच और सी ए ओ के साथ इसे हीट कर देंगे तो एन ए ओ एच का जो ये एन ए ओ है इसके साथ हमने बताया था ये कंबाइन करके क्या बनाता है एन और ये एच के साथ सी बनाता है तो ये हमारा प्रोपेन बन जाता है और ये बन गया दो सोडियम और सी Na2, ओ थ्री एन ए टू एन ए टू सी ओ थ्री हमारा जो बाय प्रोडक्ट था ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट इससे एक कम कार्बन का अल्केन हो गया क्योंकि एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट में चला गया ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें कंडेंस्ड फार्मूला दिया है तो इसका भी पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेंगे तो देखो जो हमारा सी एच है सी एच के साथ दो मिथाइल है तो एक ये भी लगाया एक ऊपर लगा देते हैं इसके साथ सिंगल बॉन्ड सी एच है डबल बॉन्ड सी एच है सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड आगे जगह रहता तो आगे भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है सी एच है सिंगल बॉन्ड सी एच इधर सी एस थ्री है इधर सी टू एच फाइव है तो इसे हम लोग सी एच टू सी एस थ्री लिख सकते हैं तो अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन देखो हम लोग यहाँ से अगर करें इस कार्बन से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन का बन रहा है ठीक है अब नंबरिंग किधर से करें अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो वन टू थ्री फोर पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ से करें तो वन टू थ्री पे आ रहा है तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कार्बन का चेन बन गया अब सब्सटिचुएंट कहाँ आ गया एक ये मिथाइल आ गया दूसरा ये मिथाइल आ गया तो क्या क्या सब्सटिचुएंट आ गया एक टू पे आ गया एक एट पे आ गया दो है इसीलिए क्या लिखेंगे डाई मिथाइल अब टेन कार्बन के लिए डेक यूज करते हैं दो डबल बॉन्ड है जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए लगा देते हैं रूट वन में अब दो डबल बॉन्ड है और दोनों का पोजीशन क्या क्या है एक का पोजीशन है थ्री एक का पोजीशन है सिक्स एक थ्री पे है और एक सिक्स पे है तो थ्री कॉमा सिक्स दो बार है तो डाई इन ये इसका आई पी एस सी नेम हो जाएगा अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा लाइन स्ट्रक्चर दिया है तो अगर यहाँ से नंबरिंग करें लाइन में इस कार्बन से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो वन पे आ रहा है थ्री पे आ रहा है फाइव पे आ रहा है, है. सेवन पे आ रहा है यहाँ से वन पे आ रहा है थ्री पे आ रहा है फोर फाइव पे आ रहा है सिक्स सेवन पे आ रहा है दोनों साइड में किसी भी साइड से हम लोग इसमें नंबरिंग कर सकते हैं तो कहीं से कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कार्बन का चेन है और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसीलिए इसमें भी हम लोग जो रूट वर्ड है उसमें ई लगाएंगे ठीक है तो एट कार्बन है तो क्या लगाएंगे ऑक्टा एट के लिए ऑक्ट होता है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए ए लगाएंगे एक डबल बॉन्ड वन पे है दूसरा थ्री पे है तीसरा फाइव पे है और चौथा सेवन पे है चार है इसीलिए टेट्रा इन सारे डबल बॉन्ड है इसीलिए इन लगाएंगे अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया है हॉल टू दिया है तो थर्ड का मैं स्ट्रक्चर पहले इधर बता दे बना देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चे सी एच टू डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ दो ग्रुप लगा है एक ये है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री दूसरा भी सेम लगा है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब देखो लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग बनाएंगे लेकिन लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बनाएंगे कि उसमें ए, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन लेना है तो ये दोनों कार्बन लेना है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव दोनों में से कोई भी ले सकते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव और ये जो है हमारा सब्सटिचुएंट हो गया तो टू पे हो गया प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल भी बता सकते हो क्योंकि प्रोपाइल में दो आता है तो टू पे हो गया नॉर्मल प्रोपाइल पेंटेन और सिंपल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं क्योंकि आई नेम में नॉर्मल नहीं भी यूज करें तो कोई दिक्कत हमें नहीं है तो टू पे आ गया नॉर्मल प्रोपाइल पेंट सॉरी पेंटेन नहीं आएगा डबल बॉन्ड तो हमने छोड़ ही दिया डबल बॉन्ड का पोजीशन है टू पे तो पेंट टू नहीं वन पे सॉरी पेंट वन इन डबल बॉन्ड का पोजीशन ये रहा ना वन टू पे के बीच है तो जो लोएस्ट होता है वही डबल बॉन्ड का पोजीशन लेते हैं तो पेंट वन इन आएगा ठीक है तो इसका आईपीसी नेम हम लोग लिखेंगे टू नॉर्मल प्रोफाइल पेंट वन इन अब फोर्थ कार्बन है फोर्थ कार्बन में देखो कोई कंडेंस फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर आ जाते हैं सेवन एट नाइन टेन का बन रहा है डबल बोन का पोजीशन इधर से ही नज़दीक है वन टू थ्री फोर पे है इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सब्सटिटेंट एक मिथाइल हमारा सिक्स पे आ रहा है एक सी एस टू सी एस थ्री जिसे इथाइल बोलते हैं फोर पे आ रहा है एक मिथाइल टू पे आ रहा है तो मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है तो ई पहले लिखेंगे तो फोर पे आ रहा है हमारा इथाइल फोर इथाइल हो गया एक टू एक सिक्स टू सिक्स दो है तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ डाई मिथाइल इसके बाद टोटल कार्बन जो है हमारे चेन में वो टेन है तो टेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डेक फिर डैश डबल बॉन्ड का पोजीशन फोर है तो फोर इन ठीक है तो इस तरह से हम लोग आई पी नेम लिखेंगे अब इसी से रिलेटेड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जो क्वेश्चन नंबर एट है इसमें ध्यान से देखो तो दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द ए एब स्ट्रक्चर वन टू फोर तो वन टू फोर में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है तो पहले फर्स्ट का देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमने अलग भी कर दिया है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड तो देखो जितने हाइड्रोजन है हाइड्रोजन हमने बताया हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है तो हाइड्रोजन कितने है? उतने सिग्मा होंगे थ्री टू फाइव सिक्स थ्री नाइन टेन टेन हो गया ये एलेवन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और थ्री uh, नाइनटीन और थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ये हो गए और कार्बन कार्बन में सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो वो एक सिगमा तो होगा ही होगा तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन ये हो गया तो ट्वेंटी टू सी एच सिगमा हो गया और इलेवन ये तो ट्वेंटी टू प्लस एलेवन कितना हो गया थर्टी थर्टी थ्री तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास थर्टी थ्री अब पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड हमने बताया था डबल बॉन्ड में एक होता है ट्रिपल में दो होता है तो अब देखो कितने डबल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है और ये दूसरा डबल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे दोनों में एक एक तो पाई बॉन्ड्स टू हो जाएंगे ठीक है अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड जो है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पहले हाइड्रोजन देखना पड़ेगा देखो ये डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे तीन बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी तीन हो गया एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन कितने हो गए दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस दस तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गए इसमें ठीक है सेकेंड स्ट्रक्चर में टेन हाइड्रोजन हो गए तो टेन सी एच सिगमा बॉन्ड हो जाएगा अब देखो सी सी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है डबल या सिंगल सम में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन और सेवन कितने हो गए सेवेंटीन तो सेवनटीन सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे तो ऐसे लिख देता हूँ मैं ऊपर में सिग्मा बॉन्ड लिखा ही है ये सेवेंटीन हो जाएगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक ही होता है तो वन टू थ्री फोर डबल बॉन्ड है तो फोर पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन में सिग्मा और बायोर्ड देखना है थर्ड का भी हमने स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया है हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं थ्री टू फाइव सेवन सेवन इधर हो गए थ्री टू फाइव टू सेवन सेवन और सेवन फोर्टीन और टू सिक्सटीन सिक्सटीन ये हो गया और अब कार्बन कार्बन देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव थ्री इधर फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितना था ये फाइव सेवन थ्री टू फाइव सेवन सेवन फोर्टीन टू सिक्सटीन और सेवन ट्वेंटी थ्री आ गया हमारे पास तो सिग्मा बॉन्ड हो गए ट्वेंटी थ्री अब पाई बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड जितने हैं उतने ही होंगे क्योंकि ट्रिपल तो इसमें है नहीं तो डबल बॉन्ड इसमें एक ही है तो पाई बॉन्ड एक आ जाएगा अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है इसमें हमें स्ट्रक्चर बनाई है तो हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं पहले तो देखो इसमें हाइड्रोजन जो है थ्री थ्री सिक्स सेवन नाइन टेन एलेवन थ्री फोर्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट हाइड्रोजन हो गए हमारे पास uh, मतलब सी एच सिगमा बॉन्ड ट्वेंटी एट हो गए अब सी सी सिगमा बोन देखो वन यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो ट्वेंटी एट और थर्टीन फोर्टी वन हो गए तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो गए फोर्टी वन अब पाई बॉन्ड देखेंगे पाई बॉन्ड डबल या ट्रिपल में होता है ट्रिपल है नहीं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही है तो एक पाई बॉन्ड होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट तक हमने देख लिया अब कुछ हम लोग पी वाई क्यू के क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में